दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करते हैं घर घर की कहानी, ये प्रॉपर्टी विवाद की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में भी, आपके जानकारों के घर में भी, आपके भाई ने आपके दादी से प्रॉपर्टी लिखवा लिया, आपके चाचा ने आपके दादी से प्रॉपर्टी लिखवा लिया, आपके भाई ने आपकी मम्मी से प्रॉपर्टी लिखवा लिया। तो दोस्तों, ये जो है कानून के नज़र में वैलिड नहीं है, हक जो है सबका है, और इसको बोलते हैं कानून के नज़र में अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो आपके चाचे ने या आपके भाई ने जो प्रॉपर्टी लिखवाया है आपकी मम्मी से, आपकी दादी से, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है दोस्तों, प्रभाव दे करके खिलाने पिलाने या अपना प्रभाव दे करके, बहला करके, फुसला करके उन्होंने इस प्रॉपर्टी को लिखवाया है। तो कानून के नज़र में दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉयड है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मान्य नहीं है, और आईपीसी सेक्शन 16 में ये लिखा गया है कि इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में कवर होगा, और इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है इल्लीगल है, वॉयड है, और ये कानून की नज़र में सबके लिए बराबर बराबर हक है, और ये कानून के नज़र में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण ये वैलिड नहीं है। दोस्तों, मैं खुद की कहानी, अपने घर की कहानी बोलता हूँ, बताता हूँ। मेरे नाना जी थे, उन्होंने मेरे मामा के नाम पे उन्होंने प्रॉपर्टी उन्होंने ले लिया, और उस समय वो बच्चे थे। प्रॉपर्टी तो जो था दोस्तों, वो घर का था, वो घर था, और उस घर में हमारे चारों पांच मामा हैं, सारे उस घर में रहते हैं। तो कानून का ये फैसला आया कि उस घर में भलाई ये प्रॉपर्टी जो है मेरे मामा, बड़े वाले मामा के नाम पे था, लेकिन कानून का जो ये फैसला आया कि इस प्रॉपर्टी में पांचों भाई का हिस्सा होगा, हक होगा। तो दोस्तों, ये लाइव एग्जाम्पल है, अगर आपके घर में भी इस टाइप का अगर केस होता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मम्मी बोलती है कि अपने दूसरे बेटे को हम लिख देंगे तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अगर दादी बोलती है कि दूसरे पोते को लिख देंगे या आपके चाचे को लिख देंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉयड होगा और कानून के नज़र में मान्य नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में, नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।